सो हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 नवंबर, सितंबर, और आज मार्केट थोड़ा साइडवेज साइडवेज दिख रहा है। मॉर्निंग में तो मेरे को लगा जैसा ग्लोबल मार्केट दिखा तो कि भाई कुछ होने वाला नहीं है आज, लेकिन जैसे ही 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास थोड़ा प्राइस एक्शन टाइप बनता दिखा। मैं आज मूड में नहीं था कि मैं ट्रेड करूं, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक जो कल का पैटर्न था हेड एंड शोल्डर का, तो आज भी वही रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। देखो कितना क्लियर दिख रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाओ और उस पे चेक करो। देखो आज वैसे अंदर से कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है कि मैं इस ट्रेड को लूँ, लेकिन क्या है कि अगर आपको कोई सेटअप चेक करना है तो आपको तो ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर देखो बैंक निफ्टी का भी वही हाल। तो अब इसमें है कि आपको क्लियरली दिख रहा है, देखने के बाद भी आप नहीं करोगे तो आपको उस सेटअप का एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। एकदम सेम कल इसी सेटअप पे हमने ट्रेड किया था और अपना टारगेट हमें मिला था। तो खैर जो भी है, देख रहे हो अभी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं हो रहा कि मैं इसको अभी बाई करूं। ऐसा मतलब लगता है कि शायद एक बार रिटेस्ट करें ना, रिटेस्ट करने के बाद अगर फिर से वो ऊपर जाता है तो उस केस में हम अगर वही ट्रेड को अपने एग्जीक्यूशन में डालते हैं तो उसमें विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा कि क्या इसका रिटेस्ट होता है या फिर बस, क्योंकि वॉल्यूम में भी अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा कैंडल इसका भी प्रीवियस कैंडल से ऊपर नहीं गया है। तब तक तो पॉइंट बहुत ऊपर चला गया है और मैं इसका ये एंट्री पॉइंट और एसएल दोनों निकाल के रखा हूँ, और जो अपना टारगेट होगा वो आज का हाई है वहाँ पे है। वहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3 मरतबा अब देखो ऊपर में मैं एक ट्रेड जोन बना चुका हूँ जो रेजिस्टेंस का जोन है। तो वहाँ पे देखो एक नेक्स्ट कैंडल फिर से बन रहा है जो और ऊपर को जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर ट्रेड मिस भी हो सकता है, ये अगर होगा तो देखा जाएगा, अगर अपने सिस्टम पे आएगा तो ही हमें लेना है। ये हरी नहीं, देखो यहीं पे फोमो एक्टिवेट होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ले लो ले लो ले लो ट्रेड, मतलब एंट्री कर लो, लेकिन अभी आप एंट्री कर नहीं सकते। देखो कितना ऊपर चला गया, आपका एंट्री पॉइंट से करीब 7-8 पॉइंट ऊपर है, तो अब वहां पे नहीं ले सकते। चलो बिड थोड़ा ये 5 मिनट पे नीचे आया है तो देखो आया रिटेस्ट करने के लिए। अब इसको देखते हैं कि आगे अगर जाता है तो हम अपना एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। यही है, एक कॉन्फिडेंस अगर आपके सामने रहेगा तो डर आपका खत्म हो जाएगा, और डर आएगा तो कॉन्फिडेंस खत्म। दोनों में 36 का 36 का वो है संबंध, रिलेशन। देखो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया है, वो अपने ब्रेकआउट के आसपास आया और आ करके देखो देखो जैसा होता है हम अपना इसमें एंट्री बनाएंगे। अगर आता है, देखो सिस्टम है इसलिए लेना है, नहीं आज मूड वैसा नहीं है कि ट्रेड करो, लेकिन है कि सिस्टम है तो भाई आपको तो वहां पे लेना पड़ेगा। चलो अपना एंट्री के पास आ रहा है, मैं इसमें एंट्री बना लिया हूँ और अब ऐसे इसका मैं फिक्स करता हूँ, जो अपना पॉइंट है उस पॉइंट पे एसएल रहेगा। देखो अगर एंट्री मिले तभी लेना है। अब सोचो उस समय अगर हम लोग हड़बड़ी में वहां पे ट्रेड ले लिए होते तो क्या होता। देखो अभी अपना कुछ एंट्री से ऊपर थोड़ा जा रहा है, चलो बढ़िया है। उस समय यही होता, अगर और हम लोग ऊपर ले लेते तो सोचो हमारा एसएल कितना बड़ा हो जाता। तो इसी वजह से बोला जाता है कि एक ब्रेकआउट। देखो मैं जो कोर्स एक टेलीग्राम पे मैं कल एक बुक शेयर किया था, तो मैं आप लोग से ये कहूँगा कि आप उसको पढ़ो। देखो बैंक निफ्टी एक जोन में चल रहा है, बस वहाँ पे जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन है उसी को ऊपर नीचे बस वहीं पे है। तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है।
क्योंकि अगर निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी का वेटेज 33% के आसपास होता है, उसके बाद रिलायंस का वेटेज होता है। तो चलो रिलायंस देखते हैं कि रिलायंस अभी क्या कर रहा है। रिलायंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपना निफ्टी। देखो रिलायंस भी भाई अभी एक अपने रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, अगर ये ऊपर जाता है तो अपना भी निफ्टी ऊपर निकलेगा। चलो हम देखते हैं इसका क्या ड्रॉ करते हैं। आपको एक ट्रेड लेने के बाद ना, आपको लेने से पहले ही आपको ये चेक करना है कि कौन क्या है, किसका कंपोनेंट क्या है, और आपको देखते रहना है कि हाँ क्या हो सकता है। देखो अभी रेट टू रेट है, देखो बाइंग प्राइस पे अपना आया हुआ है। अब इसमें आपको ईटीएफ में ट्रेड करने का यही फायदा है कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपका जा कुछ नहीं रहा। अगर यहीं पे आप देखोगे तो मेरा, अगर फ्राइडे को हम देखें तो फ्राइडे को ट्रेड में मेरा 33-34 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला था, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मंडे को कल 95 पॉइंट के आसपास अपना प्रॉफिट मिला, टारगेट मिला। आज अगर आज भी आज जो हो अभी मेरा इसमें 44 नहीं है, अभी 55 पॉइंट है ऑन स्पॉट। मैं ऑप्शन का बात नहीं कर रहा, ऑन स्पॉट 55, क्योंकि वहीं पे बन रहा था भाई। और एक ये भी वजह था कि ट्रेड ना लो, लेकिन अब वैसा सेटअप दिख रहा है तो सेटअप पे आपको ट्रेड लेना ही होगा तभी तो। अब क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आपको अपना जो भी आपका सेटअप है कि चलो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाला हूँ, तो पता कैसे चलेगा जब तक उसमें घुसोगे नहीं। अब नदी है तो नदी में तैरना तो होगा, तभी तो सीखोगे कि आज मूड नहीं है तो नहीं तैरना है। नहीं, आपको देखना है, खैर जो भी है। देखो अभी अपने रिलायंस का, देखो रिलायंस अभी, रिलायंस अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी में भी तेज मूव आएगा। रिलायंस को आप हमेशा, अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो रिलायंस को, निफ्टी आईटी को और बैंक निफ्टी को, सबसे पहले बैंक निफ्टी को, उसके बाद रिलायंस को एकदम ट्रैक करना है, एकदम ट्रैक करना है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होगा आगे, मूव क्या होगा ये बता देगा। देखो अभी अभी अगर आप सोचो तो यहाँ पे एक बैरियर है, शायद यहाँ से नीचे भी जा सकता है, शायद यहाँ से नीचे भी जा सकता है अगर इसको ब्रेक करता है। अच्छा 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं इसको। हाँ देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। आज सुबह सुबह मैं ये भी दिया था कि रिलायंस को लेकर के मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि एक अगर ये 2300 के आसपास जाता है, 2300-2400 के बीच में, तो उसके 1-2 दिन बाद ये अच्छा खासा स्पीड से बाहर ऊपर निकलता है। तो देखो वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वहीं पे दिखा रहा है। अभी देखो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग के लिए अच्छा है, और नहीं तो कोई बात नहीं, एसएल अपना लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना परसेंट, अच्छा खासा परसेंट दिख रहा है भाई। है ना, अपने फेवर में अभी ट्रेड चल रहा है। देखो अगर ट्रेड को चेक करना है तो ट्रेड में तो आना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, एक्यूरेसी आपको पता नहीं चल पाएगा। अरे हाँ देखो, देखो रिलायंस 5 मिनट कैंडल पे ब्रेक कर रहा है अपने ट्रेंड। देखो निफ्टी में भी वही स्पीड है, तो रिलायंस को आप जब भी करें ना तो कंपोनेंट्स को जरूर ट्रैक करते रहिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम गिरते जा रहा है, वॉल्यूम गिरते जा रहा है इसका। रिलायंस का देख रहे हो, देखो नीचे में वॉल्यूम्स का वो और है। तो अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है ना तो निफ्टी शायद और स्पीड से, बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म करना था। हाँ देखो, तो आप भी ट्रेड कीजिए, ईटीएफ में ट्रेड कीजिए। देखिए पैसा बहुत ज़्यादा
मतलब लगाने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सीखना होगा, एक बार आपको मुंह पकड़ में आने लगाना कि हाँ ऐसे होता है तो ये होता है, गैप डाउन खुलता है तो ये होता है। एक बार मूव आपके हाथ में आ गया तो फिर देखो, अगर यही आपका ऑप्शन पे होता या फ्यूचर का चार्ट पे होता तो अभी 30-32 पॉइंट अब हम अपने एंट्री से ऊपर हैं। अच्छा था यार, कोई बात नहीं, 30 मतलब 10 है ना, ऑप्शन में एटीएम पे 10 पॉइंट आपको मिल गया होता अभी तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। पैसा तो 1 साल 1.5 साल प्रैक्टिस करो, पैसा आएगा यार। देखो अब इसमें 14% से ऊपर, मतलब 15% से ऊपर अपना ये आ गया है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इसमें स्टॉप लॉस मैं और ऊपर कर लूँगा, क्योंकि एक लर्निंग मिला है पहले प्रैक्टिस करने से कि अगर आपका जो भी ट्रेड है और वो 15% से ऊपर चला जाता है आपके फेवर में, तो उस केस में आपको ना स्टॉप लॉस को ऊपर कर देना है। चलो मैं वो वीडियो को मैं थोड़ा कट कर करके वो बना रहा हूँ तो उसको इग्नोर करना। अभी क्या हो गया, अभी एसिल में एक प्रीवियस जो स्विंग था उससे थोड़ा सा और ऊपर मैं लाया हूँ, लेकिन जो लास्ट स्विंग से थोड़ा पहले ही है वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे डालना है, कहाँ पे सेफ होगा। तो अभी वहाँ पे डालने से मेरा आरआर जो है 1:2 हो गया, पहले 1:1.5 था, मतलब 20 और 30 का वो समझ लो, 20 पॉइंट अगर प्रॉफिट होता तो 30 पॉइंट, ये 20 पॉइंट लॉस होता तो 30 पॉइंट प्रॉफिट होता। अभी मेरा 1:2 हो गया है, मतलब 44 पॉइंट के आसपास का, अब ना 44 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है और देखो अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, 20% के 19% के आसपास ये दिखा रहा है, तो अच्छा है, ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। चलो रिलायंस का क्या हाल है वो देखना होगा। और हाँ, ये पेटीएम मनी में ईटीएफ का चार्ट जो है थोड़ा ढंग का नहीं दिखाता है, थोड़ा सा यहीं पे पेटीएम मनी का प्रॉब्लम है कि उसके लिए आप कोई जीरोधा में अगर अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप लिंक भी डाला हुआ है उससे भी आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करा सकते हो, या फिर मेरा फायर्स है तो फायर्स में भी है, जीरोधा में भी है, तो फायर्स में मैं चार्ट देखता हूँ कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो रिलायंस काफ़ी ऊपर गया, मतलब 2 से 2.5% आज अपना लो से 2.5% के आसपास ऊपर गया, उसके बाद देख रहा हाई, एक नया हाई बना करके शूटिंग स्टार बना रहा है वहां पे रिलायंस। देखो रिलायंस जो करता है अपना निफ्टी 50 में वही पैटर्न चलता है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा आज सपोर्ट में नहीं है अपना, देख रहा एकदम क्लियर दिख रहा था कि ये हेड शोल्डर है, हेड है और ये नेक्स्ट शोल्डर जिसमें कि आपको एंट्री लेना था। देखो रिलायंस थोड़ा कमजोर हो रहा है वहां पे, लेकिन वॉल्यूम तो अच्छा खासा लगातार 4-5 कैंडल में वॉल्यूम, बाइंग का वॉल्यूम अच्छा है। चलो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बस देखना है ना। तो इसके लिए आप कोई वैसा ब्रोकर के का अकाउंट रखे, जैसे पेटीएम ठीक है यार, पेटीएम मनी ठीक है, आप उसमें ब्रोकरेज है 10 रुपये के आसपास, पहले लगता था शायद, अब इसका ब्रोकरेज जो है न्यू यूजर्स के लिए 15 रुपया कर दिया, तो देख लेना एक बार आप, तो उसमें मेरा 10 ही रुपया है, बहुत पहले से है मेरा उसमें, तो 10 ही रुपया उसमें लगता है पर ट्रेड, तो अच्छा है यार। अगर लॉस भी होता है तो क्या होगा, 7 से 10 रुपया के आसपास अपना हमेशा स्टॉप लॉस रहता है, और अगर 10-10-20 रुपया उधर गया
बहुत ज़्यादा कोई लॉस नहीं है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट अपना 20 रुपया रहता तो उसमें उस दिन आपका जीरो हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर यही आप देखो, सीखना तो है, सीखने के चक्कर में आप रियल मनी से ट्रेड करोगे, मतलब ऑप्शन पे या फ्यूचर पे, वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट जा सकता है। चलो रिलायंस काफ़ी नीचे आया, तो निफ्टी भी देख रहे हो कुछ भी मतलब हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा वही है, कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा रहता है। चलो एक चीज़ देखो, रिलायंस में पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। पोल एंड फ्लैग में क्या होता है कि ये पोल हो गया, पोल का जो हाइट होता है अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है, तो जितना पॉइंट पोल है ऊपर का भी पोल जो बनेगा वो उतना ही पॉइंट का बनेगा। ये सब चीज़ मैं होप करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में हो अच्छे खासे दिनों से। देखो पोल इसका है, जो नीचे का पॉइंट था वही 16 पॉइंट का ऊपर में भी इसको बनना है, मतलब वहां तक रिलायंस जा सकता है। और उसके ऊपर रिलायंस का वैसे भी एक प्रीवियस डे का ये है, लो है, तो प्रीवियस डे का लो है, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस बनेगा। देखो अब अपना 1:1 के आसपास आया था हमारा ट्रेड, उसके बाद मार्केट एकदम से साइडवेज टाइप बिहेव कर रहा। देखो मैं थोड़ा सा वीडियो को बीच बीच में कट करके चला रहा हूं, तो कभी कभी ऐसा होता है आपको, कल जैसे क्या हुआ था, कल हमने ट्रेड लिया और इंस्टेंटली कुछ ही देर में अपना टारगेट हिट हुआ। तो कहा जाता है कि आपको ट्रेंडिंग डेज जो है 33% ही मिलेगा, बाकी मार्केट साइडवेज ही होता है, मतलब 70% के आसपास समझ लो कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा। तो कोई बात नहीं है, अब आपको सीखना है, बिना सीखे देखो अपना एसएल शायद हिट होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, होता है, स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। और अच्छा ठीक है, जैसे अगर मैं इस वीक का बात करूँ तो 95 पॉइंट अपना प्रॉफिट में है, अगर इसमें जाता भी है तो मेरा 44 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, फिर भी हम अभी कल के लिए, मतलब कल का प्रॉफिट से बचे हुए, नेक्स्ट डे के लिए कल का प्रॉफिट हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है ना। अगर फ्राइडे का भी ट्रेड देखो तो फ्राइडे को भी 35 पॉइंट के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस लगा था, तो उसको भी घटाएंगे तो अभी भी अपना कुछ पॉइंट बच रहा है, तो कोई बात नहीं। आज का सेटअप इतना अच्छा था कि ट्रेड लेने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप रोकते हैं तो फिर एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा कि हाँ क्या है नहीं है, क्योंकि आपके मन से तो होगा नहीं कुछ। अच्छा था, और 1:1 आपको दिखा भी। देखो स्टॉप लॉस से थोड़ा थोड़ा पास से वापस रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे अगर यहीं पे आपका 4-5 लॉट में ट्रेड होता तो सोचो आपको कितना लॉस हो रहा होता। अभी तो सीखना है, अब यही चीज़ है जो हम लोग का धीरे धीरे, मानो शॉर्ट ट्रेड आप पीटीएफ में लेते हो, शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद आपको समझ में आता है कि चलो लॉस होता भी है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट का रेशियो है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप तो कॉन्फिडेंटली काम करोगे इस पे, कोई बात नहीं। अभी आपका क्या होगा, अभी आपको लगेगा कि चलो एग्जिट करके निकलते हैं यहाँ से। देखो रिलायंस क्या कर रहा है, अभी नीचे आया, फिर रिलायंस जो
करता है, बस यहाँ पे वो दिखता है। निफ्टी आईटी को भी ट्रैक कर सकते हैं आप, लेकिन निफ्टी आईटी में बहुत सारा स्टॉक है, तो कितना को करोगे। रिलायंस का वेटेज अच्छा खासा है, मैं वो लिखा हुआ है मेरा कितना वेटेज है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी आपको बताऊंगा कि क्या है उसका। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं कहीं कहीं से वो कट करके इसमें एडिट कर दूंगा। देखो रिलायंस अपने उस जो रेजिस्टेंस था ऊपर गया, सपोर्ट बना थोड़ा सा, करीब 4-5 कैंडल, 5 कैंडल वहां पे सपोर्ट लिया है, वापस से नीचे। कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो बहुत सीखने को मिला है इससे। कुछ ट्रेड आपका, देखो कल इसी ट्रेड में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, सेम इसी ट्रेड में, और आज आज उससे प्यारा सेटअप बना है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। शायद उस वजह से पता नहीं, लेकिन नहीं, 1:1 तो मिला, कुछ भी हो सकता है। यू कांट प्रेडिक्ट मार्केट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी एंड आउटकम इज 50-50। और हर नेक्स्ट ट्रेड जो है अपने प्रीवियस ट्रेड से डिफरेंट है। अब आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो बुक पढ़ो, ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें अच्छा से समझाया गया है। या अगर आपके पास उतना टाइम नहीं, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम कहीं से भी निकालो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और नहीं तो कुकू एफएम अगर आपके पास है उसका, तो उस पे जा करके उस बुक को सुनो, उसका समरी टाइप है, तो उसको भी सुन के समझ सकते हो। लेकिन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा वो मज़ा आता है, और पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूरी है वहाँ पे ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन आएगा तो बहुत सारा आपका लाइफ सुधर जाएगा। तो चलो, शायद अपना इसमें ऐसे ही होगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ यार, ताकि लाइव हम आएँ और लाइव हम लोग साथ में ट्रेड करें। लाइव ट्रेड करने से क्या होता है ना कि हम लोग एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, कि हाँ क्या आज का सेटअप हो सकता है, क्या करना है। देखना अगर हो सके तो। और देखो मैं भी सब कुछ सीख रहा हूँ कि कैसे एडिटिंग होता है, कैसे क्या होता है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस तो पहले से कर ही रहा था ईटीएफ में, लेकिन मेरा एक दोस्त बोला कि यार करते हो तो इसको डालो, बहुत सारा लोग समझना चाहता है और कोई बताने, ईटीएफ को लेकर के कोई नहीं बताता है भाई, और ना यूट्यूब पे ईटीएफ को लेकर के वीडियो है। तो मैं सोचा कि चलो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो नया चैनल है, देखिए चलो इसलिए इसमें अपना हिट हुआ, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। बस एक दिन में एक ट्रेड, अगर पहला ट्रेड एसएल हुआ तो एक दिन में एक ट्रेड, नहीं तो अगर प्रॉफिट होता है फर्स्ट ट्रेड, देखो उसके बाद और नीचे जा रहा है तो अच्छा हुआ ना, हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस को ऊपर कर लिया था जब 15% से ऊपर दिख रहा था तो। अच्छा, रिलायंस, रिलायंस नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो वीडियो को थोड़ा सा स्प्रेड कर, बढ़ाओ इसका, थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो है, देखना।